मायसेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम ओब्लॉन्ग मेथड से इलिप्स कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, यानी इस वीडियो लेक्चर में हम पैरेललोग्राम में इलिप्स कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है, कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स इन अ पैरेललोग्राम ऑफ 125 मिलीमीटर बाय 90 मिलीमीटर साइड। टेक included angles of parallelogram as 120 degree and 60 degree. Determine its major and minor axis. तो सबसे पहले हम 125 mm by 90 mm का एक parallelogram draw करेंगे जिसके included angle 120 degree और 60 degree set करेंगे। तो ये 125 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हम 60 डिग्री एंगल से 90 mm लॉन्ग एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसके लिए हम 3060 का सेट स्क्वायर डायरेक्टली यूज करेंगे। तो ये जो लाइन है वो 90 mm लॉन्ग है और इसके अंदर का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। सेम वे एक और 60 डिग्री की लाइन हम दूसरे पॉइंट में से ड्रॉ करेंगे, इसकी लेंथ भी 90 mm रहेगी। और ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके फाइनली हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो ये जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर के जो एंगल है वो 60 डिग्री और 120 डिग्री है, यानी ये जो ऑपोजिट स्मॉल एंगल है वो 60 डिग्री के है और ये जो ऑपोजिट बिग एंगल है वो 120 डिग्री के है। अब हम इस 125 मिलीमीटर का मिड पॉइंट लेके उस मिड पॉइंट में से एक और 60 डिग्री की लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम इस 90 mm लॉन्ग लाइन का मिड पॉइंट लेके उसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां हम मार्किंग करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच और फाइनली इस पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट ओ। अब हम ए टू ओ के डिस्टेंस के चार इक्वल पार्ट करेंगे। तो यहाँ पॉइंट ए जीरो है, तो उसके बाद होगा पॉइंट वन टू थ्री एंड फोर। तो यहाँ हमने ए ओ डिस्टेंस के चार इक्वल पार्ट किए हैं, तो सेम वे हम ए ई डिस्टेंस के भी चार इक्वल पार्ट करेंगे।
पॉइंट में से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके उसको नीचे हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो इसके लिए हम सभी P1, P2 और P3 पॉइंट में से 60 डिग्री एंगल रखकर लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। इस प्रॉब्लम में यहाँ जो इंक्लूडेड एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री है, इसलिए सभी पॉइंट में से जो हमने लाइन कंस्ट्रक्ट की है वो 60 डिग्री को पैरेलल रखकर की है। अब हम सभी P1, P2 और P3 पॉइंट को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपास की मदद से ट्रांसफर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट P1 में से जो 60 डिग्री की लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की है वो लाइन इस मेजर एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट और इस P1 पॉइंट जितनी रेडियस लेके ये P1 को हम नीचे ट्रांसफर कर लेंगे।
देंगे। तो सी डैश और डी डैश जो है वो इस इलिप्स की एक्चुअल माइनर एक्सिस है। अब हम पॉइंट ओ में से ये सी डैश डी डैश लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारी एक्चुअल मेजर एक्सिस बनेगी। तो उसके लिए हम डायरेक्टली सेट स्क्वायर से पॉइंट ओ में से सी डैश डी डैश को परपेंडिकुलर लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट ए डैश और इस जगह पर हम मार्क करेंगे पॉइंट बी डैश। तो ए डैश बी डैश है वो इस इलिप्स की एक्चुअल मेजर एक्सिस है जो हम फिजिकली मेजर करके इसका डायमेंशनिंग देंगे। तो यहाँ हमें एक्चुअल मेजर एक्सिस का डायमेंशन है वो 136 मिलीमीटर मिल रहा है। तो एक्चुअल मेजर एक्सिस ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 136 मिलीमीटर। अब हम एक्चुअल माइनर एक्सिस मेजर करेंगे जो हमें मिल रही है 72 मिलीमीटर। सो एक्चुअल माइनर एक्सिस सी डैश डी डैश इज इक्वल टू 72 मिलीमीटर। फाइनली हम इस पैरेललोग्राम का डायमेंशनिंग देंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 125 मिलीमीटर और वर्टिकल डिस्टेंस है 90 मिलीमीटर। तो इसी के साथ ही यहाँ ऑब्लॉन्ग मेथड से यानी पैरेललोग्राम के अंदर हमने इलिप्स कंस्ट्रक्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच।